का छोटे में एक बार गुरुदेव ने उनको कहीं जाना था, वे अपने सालिग्राम भगवान की पूजा करते। चिंतित थे कि सालिग्राम जी भगवान की पूजा कौन करे, तो हमने कहा हम करेंगे। गुरु जी हमारे भरोसे भगवान को छोड़कर चले गए। अब बारिश का समय, नदी के किनारे थे बढ़िया बढ़िया जामुन, उगे थे जामुन के पेड़ पर। हमको लगा कि खाना चाहिए, तो लेकिन जामुन ऊपर हैं, ये ऊपर से नीचे कब आए? तो जब इनमें कुछ पत्थर अत्थर घले, आसपास कोई पत्थर तो दिखा नहीं, सालिग्राम जी दिखे। तो हमने सालिग्राम जी को ही उठाया, वो मारा तो उस तरफ थी नदी, जामुन गिर गए, सालिग्राम जी नदी में चले गए। और फिर हमने लाख ढूंढा, मिले नहीं, तो हम घबरा गए, गुरुदेव क्या कहेंगे। तो एक बड़ा सा जामुन हमने सालिग्राम जी की जगह रख दिया, जो होगा सो देखी जाएगी। दो दिन बाद गुरु जी आए, उन्होंने नहलाया भगवान को अपने हाथ से, तो वो घूरने लगे और कहा ये क्या है। पूछा कि ये क्या हो रहा है भगवान, ये घूर क्यों रहे हैं, ऊपर की परत मानो हट रही है, क्या हो रहा है? तो बोले अरे गुरुदेव, आपके जाने के बाद हमने इतनी सेवा करी इनकी, इतनी सेवा कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, और सालिग्राम जी गल गए तो हम का जानी। बार बार चंदन, गुरुदेव ने निकाल दिया जाओ। सालिग्राम जी को खोकर गए आया था, आज श्री सीताराम लक्ष्मण को लेकर जाओ। और भगवान ने अगस्त जी से क्या सीखा, राक्षसों का कैसे वध किया जाए, और ये हमारा शत्रु ही है, ये अभिमान राक्षस है। और अगस्त जी के शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर अपने अभिमान का नाश करना हो तो अभिमान का नाश न करें, भगवान के अभिमान को अपना अभिमान बना लें कि अरे हमारे संग भगवान है। और ये अभिमान अगर हम एक बार आ जाए तो क्या होगा, हमारे साथ श्री रघु।